के शहादत में मनाए जाने वाला पर्व मुहर्रम की रौनक मंगलवार की शाम गिरिडीह में दिखा। देर शाम होते ही शहर और ग्रामीण इलाकों में अखाड़ा निकाला गया, तो कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के अलग अलग कमेटी द्वारा मंच सजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जा रहा था। युवाओं से लेकर वृद्ध तक इस दौरान अपने अपने कला का प्रदर्शन करते दिखे, जबकि शहर के पदम चौक में एकता मंच सजाकर भव्य मंच सजाया गया था, जहां खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ गांडे विधायक सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ विशालदीप खलको, एनडीसी सुदेश कुमार समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान दोनों विधायक का स्वागत एकता मंच के सदस्यों द्वारा हरा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। पदम चौक में ही करीब आधा दर्जन अखाड़ा कमेटी जुड़े थे, जहां एक के बाद कई अखाड़ा कमेटी ने खेल का दमदार प्रदर्शन किया। मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा कमेटी को दोनों विधायक और अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा सदर एसडीएम विशालदीप खलको ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस बीच शहर के भंडारी डी में भी भव्य रूप से कई अखाड़ा कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। अपने लिए ताली बजाएंगे। हम लोग अपने लिए ताली इसलिए बजा रहे हैं और खुद का अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इस कार्यक्रम में शिरकत होकर जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों को बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। जिस अनुशासन के माहौल में आप लोगों ने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही किसी भी पर्व, किसी भी त्योहार के आयोजन में विधि व्यवस्था एक मुख्य बिंदु रहता है, लेकिन आप सभी का प्रेम और सभी का स्नेह से हम सभी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल कायम किया और इस आपसी प्रेम के लिए, इस आपसी भाईचारा के लिए पुनः मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गिरिडीह मुहर्रम एकता मंच के तमाम आयोजनकर्ता इस अखाड़ा में जो आयोजन कर रहे हैं, हम लोगों को विभिन्न अखाड़ा से निमंत्रण मिल पाया था, लेकिन समय अभाव के कारण हम लोग यहाँ पे शिरकत हो पाए। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी अन्य जगह पर भी जरूर गए। बहुत ही सुखद याद मुझे है रांची में जिस तरह से मुहर्रम का बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन होता था, उससे भी कहीं सुंदर और कहीं भी चढ़कर आप सभी ने हिस्सा लिया। इसके विश्व आदिवासी दिवस भी है, सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, जैसे कि मंच से पूर्व के वक्ताओं ने बोला और बहुत ही सुंदर आज आप लोगों ने तिरंगा के साथ में प्रदर्शन किया। इसी तरीके से मैं सभी गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा, आप लोग अपने सभी घरों में, सभी मकान में आप लोग तिरंगा को सम्मान के साथ में आप लोग प्रदर्शित करें और आज अखाड़ा के दौरान तिरंगा को भी लेकर एक राष्ट्रीयता की जो भावना आपने हम लोगों में, हम सभी लोगों में जगाई है, उसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम संगठन कल से तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हम लोग आप लोगों से भी अपील करते हैं अगर आप लोग भी इसमें शामिल होंगे, एक एकता का परिचय होगा, एक सौहार्द का परिचय होगा और हम लोग यही आशा करते हैं कि गिरिडीह के यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी संगठन हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करके आने वाले दिनों में स्वतंत्रता दिवस आप लोगों की भागीदारी की हम लोग बहुत सच्चे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग भी उसमें सम्मिलित हो और पूरी तरीके से उसको सफल बनाए। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले जो त्यौहार हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इसी सौहार्दपूर्ण तरीके से हर एक त्यौहार में शामिल हो और गिरिडीह जिला का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं स्पेशल उल्लेख करना चाहूँगा सभी सुरक्षा कर्मियों का, जितने भी मजिस्ट्रेट इस त्यौहार में हम लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हैं, उन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।
आप लोगों को पूरा करना है। आप इसे जिस किसी को पानी की जरूरत है वहां पर जाकर आप पानी इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसको सफल बनाया। आने वाले दिनों में इस बीच आज के शांति आज अलहमदुल्ला एक मंच के द्वारा हम लोगों ने जो आज मुहर्रम का जो प्रोग्राम किया, पिछले दो वर्ष कोरोना काल के तहत जो है प्रोग्राम हो नहीं सका, मगर अलहमदुल्ला बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और एक बहुत बड़ा शांति का मैसेज गया कि हमारे यहाँ 8-10 मोहल्ला वाले अखाड़े खेले और शांतिपूर्वक अखाड़ा खेले। और इसमें हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब और हमारे माननीय विधायक, सदर विधायक और हमारे कांडी विधायक सरफराज अहमद साहब भी वो आए। हम लोग को बहुत खुशी हुआ। अलहमदुल्ला प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ, इस बात की खुशी है। और इसी बात का सभी को हम लोग मुबारकबादी देते हैं कि हम लोगों ने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया और उन लोगों ने भी बड़ा इसमें हम लोग का सहयोग किया।